आप जो सो इससे पहले भी जो सो KTR और KCR और कविता के लिए आपने तफसीर बताई थी कि उन्होंने तेलंगाना स्टेट को डेवलपमेंट के हिस्से पर लेकर गया, आज उसी मौके मौजों पर आप यहाँ पर आए हैं और फिर से आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार आने वाले असेंबली इलेक्शन नज़दीक है, माहौल गर्म है, आवाम का कहना है कि ये बार कांग्रेस जो बड़ो जोश व खरोब में नज़र आ रही है और BRS के स्कीमा देख रहे हैं और कांग्रेस के स्कीमा देख रहे हैं, आप क्या कहना है इसकी बार, किसको सपोर्ट करेंगे आप? जैसा मैंने पिछले बार कहा था उसी तरह से इस बार भी जो मैं अभी भी कहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में BRS 80-90 MLA सीट्स के साथ कंपलसरी गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है। और यहाँ पर जो कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस के लिए जो है हो सकता है थोड़े राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस फॉर्म की ना गवर्नमेंट, इसका इम्पैक्ट पे थोड़े लोग तो डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा सीट्स नहीं आएंगे, वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता, मेजॉरिटी कम हो सकती, लेकिन ये BRS फॉर्म करना ज़रूरी है और कैसा भी BRS फॉर्म करती गवर्नमेंट, ये इंशाल्लाह इस बार ही नहीं KCR साहब CM बनते, अगले बार उसके बाद में अगर फ्यूचर में भी हम KTR साहब को CM बना दें, क्योंकि उन्हें ऐसे इंसान हैं, इनके पास कोई बयास नहीं है, जो स्टेट में जितनी भी पब्लिक है गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई और जो तेलंगाना आंध्र के झगड़े हुए थे तो वहाँ से आंध्र के लोग भी यहाँ पे आकर सेटल हुए, किसी को तकलीफ नहीं दिए, यहाँ पर डेवलपमेंट चीज़ हो रहे, पूरे दुनिया भर के लोग हैदराबाद में रह रहे और लोग सब खुश हैं यहाँ पर, ये माहौल को बिगाड़ने का काम जो कर रहे हैं ये इस बात से गलत है, क्योंकि अब समझो कि अब इलेक्शंस आए, कई लोग आ रहे हैं आज उंगली उठा रहे हैं, भाई 9 साल 10 साल से जो BRS गवर्नमेंट फॉर्म करी है, 10 साल से आप लोग क्या करें, उस दिन आप क्या करें, क्यों नहीं जाके पूछे भाई, आप लोग जाके जब सवाल नहीं करें, जब जाके कुछ उनसे मशवरा नहीं करें, इतने तंजीमें लगाए जब एकजुट नहीं हुए, आज इलेक्शन आते सब उंगली उठा रहे, क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई कोई उनकी अच्छाई की भी कुछ गौर करो, जो अच्छे काम करे उसके ऊपर गौर नहीं करे, खाली बुराई पे गौर करे, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमारे अंदर की गलतियाँ भी अपना सेलेक्ट कर देखना ज़रूरी है ना, हम भी हमारी मिस्टेक्स है, हम काम नहीं करते, हम एजुकेशन सही नहीं पढ़ते, हम मेहनत नहीं करते, रात में 12 बजे तक सोते, एक एक 2-2 बजे तक दावा थकाते, सुबह में 12 बजे उठते, पढ़ते नहीं हम लोग सही तरीके से, काम नहीं सीखते, हार्डवर्क नहीं करते, और जो हम बोलते हैं हमको सुबह हो जाना कहाँ से आता, गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है, हम क्यों नहीं आ रहे आगे, अब जनरेशन आ रहा आगे, लेकिन इस जनरेशन में जो काम करने वाले CM है, जो पार्टी जो लेके चल रही है आगे बढ़ा रही, तो हमको साथ देके खड़ना चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट है ये, अब इसको अनस्टेबल कराएंगे तो देखो, परसों हनुमंत साहब का जो एक मीटिंग चली थी कांग्रेस की, उसमें बोल रहे थे इलेक्शन होने दो, इलेक्शन से पहले CM के अपना नाम मत बोलो, क्यों लड़ ले रहे, राहुल गांधी डिसाइड करते, वर्किंग कमेटी डिसाइड करती, मैं भी रेस में बोल रहे, इन लोग इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने से पहले ये बात बोल रहे, अगर समझो कि अगर इलेक्शन आने के महीने को एक CM बदलता फिर वो स्टोरी रिपीट होती, स्टेबल गवर्नमेंट होना, अगर से हर इंसान कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती तो आप अगर से उसके अंदर कोई गलती नहीं करी तो आप अपना रोल अदा करो, आपका रोल क्या है सोसाइटी में बनाने के, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, हमारे तेलंगाना को डेवलप करने के लिए, अपने फ्यूचर को अपने घरों को मजबूत बना के आगे जाने के लिए आपका भी कुछ रोल होगा ना, आप अपना रोल प्ले नहीं करते, आप मशवरा दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ बैठो, लॉबिंग में बैठो, जाके उनसे बैठो, उन्हें क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है पूछो उनको, अगर से उनको गलत काम करे तो आप जाके उनके अपना ऑब्जेक्शन रखो, सारे पूरे लोग भी मसले, कम से कम मसले पे तो एक होना, या तो मसलक पे तो एक होना, मिलत पे तो एक होना, एक तो नहीं हो रहे, सब अपनी अपनी बात के, सब अपने अपने एजेंडे लगा रहे, तो इसमें कामयाबी कैसे मिलती। मैं तो इतना चाहूँगा कि तेलंगाना की पूरी आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से भी, आप अपना वोट को डिवाइड मत करो, यूनाइटेड रहो, मिलकर जब आप जाके गवर्नमेंट के सामने करेंगे, आपकी मेजॉरिटी रहेंगी, जब आप अपना आप लोग जो है जो स्ट्रांगली कंडम करेंगे, आपको ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, गवर्नमेंट गौर करेंगी और आपको सपोर्ट भी करेंगी, इसके अलावा जो है आप खाली जो है इनसे उनसे लड़ लेते बैठे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारे स्टेट के अंदर कोई मजहब के दंगे नहीं है, फसाद नहीं है, सब मिलजुल कर रह रहे, और हिंदू भाई है जिससे भी लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, सब मोहब्बत के लोग हैं, साथ लेके चल रहे हैं हमको, हम लोग भी आज प्रोफेशन में, अब मैं जैसा मैं आज एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, मैं अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं किसकी वजह से हूँ, ये लोगों की वजह से, जो हिंदू भाई मेरे को सपोर्ट करे, उन लोग उनके वजह से यहाँ तक पहुँचा मैं ना कि मैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के एडवोकेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो लोग मदद नहीं करें, हम कैसा बोल सकते, अच्छे बुरे लोग सारी दुनिया में हर मज़हब में हर जगह पर है, उसके बारे में मत बोलो, जो अच्छा ही अच्छा काम कर रहे उनको साथ लेके चलो, अगर से उसके अंदर कुछ खामियाँ हैं तो अपन जाके उनके अंदर करेक्ट करेंगे, उनके लॉबिंग में बैठेंगे, तो उनके कुछ आइडियोलॉजी रहे तो आइडियोलॉजी चेंज करने के चांसेस होते,
जब आज जा रहे नहीं तो उन्होंने डिसीशन ले लेते, अब फिर हम बोलेंगे उन्होंने नहीं कर रहे, ये हमारी गलती, हमारा रोल है, हमारी जिम्मेदारी है, हम याद नहीं करेंगे, हमारा फ़र्ज अदा नहीं करेंगे, हम लगाएंगे नहीं, आखिर हमारी सोच बदलेंगे नहीं। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, यहाँ पर हर चीज़ आगे हो जा रहे, हमारी सोच से ख्याल से हम अभी पीछे, यूनाइटेड नहीं हो रहे, फिर ऐसा रहे तो कब तक चलेंगे ऐसा। इंसान को यूनाइटेड रहना चाहिए। तमाम तेलंगाना के आवाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप हम सब मिल के रहेंगे, हम तेलंगाना के लिए फ़ाइट इसलिए करें, तेलंगाना के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तेलंगाना की पॉपुलेशन जो है सबका फ़ायदा होना बोल के, तो हमारा मकसद ये है कि हम तेलंगाना फॉर्म करें, तेलंगाना स्टेट फॉर्म करें, ताकि हम हमारा स्टेट आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। तो उस हिसाब से देखो ना, आप कॉम्पिटिशन करना है तो करो, फ्रांस से करो, जर्मन से करो, इटली से करो, ब्रिटेन से करो, कनाडा से करो, अमेरिका से करो। आप इन लोगों से कॉम्पिटिशन नहीं करते, आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हो, श्रीलंका से कंपेयर करते हो, भाई हमारे पास इतना नॉलेज है, इतने सोर्सेस है, इतना यंग यूथ है, इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन, इतने लोग है, हम ये सब करना छोड़ दे के क्या कि बिलो है सो उनसे हम कर रहे तो कैसा डेवलप होता, अब हम आगे कब बढ़ेंगे, हमारी सोच कब आगे बढ़ेंगे, हम बात नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अमल में हम कुछ करके दिखाना, ये चाह रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। टीआरएस पार्टी को जो है फुल मेजॉरिटी से जो तेलंगाना स्टेट फॉर्म करो, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, इसमें अगर से कोई दूसरे गवर्नमेंट आएंगे तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, फिर उन लोग आएंगे उन्होंने अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करते, पूरा साल 5 साल खत्म हो जाते, फिर उसके बाद में जो है फिर उन्होंने कुछ करे थे, फिर हमारा पूरा आगे का डेवलप पूरा मार खाते। तो अगर से कुछ करना है हम सब यूनाइटेड रहेंगे, हमारे जो भी तेलंगाना में आवाम है इनको अगर से कुछ प्रॉब्लम है तो पूरे लोग जाके पूछो अपने पब्लिक को क्या होना, हम क्यों तेलंगाना हासिल करें, तेलंगाना के क्यों फाइट करें, उसका वो मकसद क्या है हमारा, उसके लिए सोसाइटी में तेलंगाना स्टेट फॉर्म करने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम पहले हमारा कंट्रीब्यूशन करेंगे।